राहुल के मंच पर बीजेपी नेता की फोटो, कांग्रेस के चुनावी स्टेज के साथ धोखा, कांग्रेस उम्मीदवार की जगह बीजेपी कैसे, लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है जिसमें सभी पार्टियां लगातार जोर आजमाइश कर रही हैं। इसी बीच कांग्रेस एक बार फिर से अपनी फजीहत करा बैठी है। राहुल गांधी जिस कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए मंच पर जाने वाले थे, उसी मंच पर लगे एलईडी स्क्रीन पर बीजेपी उम्मीदवार की फोटो लग गई थी, जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए। कांग्रेस के लोग भी उस दौरान हक्का बक्का दिखाई दिए। दरअसल मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की रैली से एक दिन पहले ही मंच पर मुख्य बैनर लगाया गया। इस बैनर में कांग्रेस के दिग्गजों की फोटो लगाकर कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार कर रही थी। प्रचार वाले इसी बैनर में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चूक कर दी। जिस लोकसभा में कांग्रेस अपने प्रत्याशी और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है, उसी बैनर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में मंडला संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लग गई। हालांकि गनीमत रही कि फोटो पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, न ही किसी भी प्रकार से वोट देने की अपील की गई थी, लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही लोगों ने इसे जमकर शेयर कर दिया। अंत में इस ओर मीडिया ने ध्यान दिया तो आनंद फानन में उस मुख्य बैनर की फोटो पर दूसरा पोस्टर चिपका दिया गया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होने लगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का आगमन होने वाला है और कांग्रेस पार्टी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कुछ का कहना है कि इसे कांग्रेस की चूक कहें या षड्यंत्र, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दल बदलू और विश्वासघाती भस्मासुर भरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो पर पोस्टर तो चिपका दिया, पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल इसी बात पर उठने लगे कि कहीं जानबूझकर तो किसी ने नहीं कांग्रेस की जगह बीजेपी उम्मीदवार की फोटो लगा दी हो, क्योंकि आए दिन कांग्रेस की रैलियों और सभाओं में ऐसे कारनामे दिख जाते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वह सिवनी में लखनादौन विधानसभा की धनोरा गांव में जनता को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के आगमन से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने में लगे हुए हैं, लेकिन किस तरीके से लापरवाही निकल कर सामने आई, जिसने जिम्मेदारों की फजीहत भी करा दी है, साथ ही पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। ऐसे में अब भले ही कांग्रेस की ओर से इसको लेकर डैमेज कंट्रोल किया जाए, पर सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की है, या कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी भरपूर निभानी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी बड़े नेताओं का आगमन होता रहा है और बड़े नेताओं के आगमन से पहले भी कई बार व्यवस्थाओं की निगरानी ध्यानपूर्वक की जाती है कि आखिर किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी के हमारे ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वर इंडिया हिंदी।